अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है उसका जो है वो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम देखेंगे और उसकी जो है वो हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो HTML क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि HTML जो है वो एब्रीवेशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से हम जो है वो वर्ल्ड वेब पेज जो है वो उसको हम क्रिएट करते हैं और उस वेब पेज के अंदर जो है वो हम जो है वो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स या जो है वो वीडियो वगैरह उसके अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं। HTML जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम जो है ये सारे काम करते हैं। हम वेब पेज बनाते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें ऐड करते हैं। अब ये जो HTML है इसको रीड करने के लिए जो है वो ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। ब्राउज़र क्या होता है कि HTML का लिखा हुआ जो कोड होता है उसको एग्जीक्यूटेबल जो है वो आउटपुट के अंदर जो है वो शो कराता है, ऐसे आउटपुट के अंदर कि जो कि यूज़र के लिए, जो लेमैन के लिए जो अंडरस्टैंडेबल हो, ऐसे जो है उसके लिए हम जो है वो ब्राउज़र को हमें यूज़ करना पड़ता है। HTML का लिखा हुआ जो कोड है वो ब्राउज़र के अलावा जो है अगर उसको हम जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसके अलावा हम जो है उसका आउटपुट को शो नहीं कर सकते। ठीक है, ब्राउज़र डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। वो क्रोम हो सकता है, वो जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, वो फायरफॉक्स हो सकता है, वो क्रोमियम हो सकता है, वो कोई भी और तरह का जो है वो ब्राउज़र हो सकता है, लेकिन कोई सा भी ब्राउज़र जो है वो हमें चाहिए होता है इसको आउटपुट को शो कराने के लिए। HTML के अंदर जो है वो हम टैग्स यूज करते हैं। टैग्स क्या होते हैं कि टैग्स जो है वो इस तरह के जो पैरेंथेसिस टाइप आप ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ब्रैकेट्स वगैरह जो है वो एंगुलर ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, उनके दरमियान में हम एक वैल्यू, एक एक से ज्यादा जो वैल्यू लिख रहे होते हैं इसको हम टैग बोलते हैं। ठीक है, जो टैग होते हैं मोस्टली क्या होता है, जो टैग होते हैं वो उनकी ओपनिंग और जो है वो और जो है वो क्लोजिंग होती है, लेकिन जो सारे के सारे जैसे जो यहाँ पे आपको जो है वो एक टैग नज़र आ रहा है जिसकी जो है वो एंगुलर जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर आई लिखा हुआ है, तो ये इसकी जो है वो ओपनिंग वैल्यू हो गई और इसकी क्लोजिंग वैल्यू उसकी क्या होगी, इसकी क्लोजिंग वैल्यू ये होगी कि इसका यहाँ पे जब ये यहाँ पे जो भी टैग्स होगा उसके बाद एंड पे जो है वो इस तरह करके हम जो है वो इसको आई और इस तरह हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये इसका क्लोज होगा। तो ये जो है वो इसका ओपनिंग जो है वो टैग था, इसका क्लोज टैग था, लेकिन सारे के सारे जो होते हैं टैग्स होते हैं उनका ओपनिंग और जो है वो क्लोज नहीं होता। कुछ टैग्स जो होते हैं उनका सिर्फ ओपनिंग होता है और उनका जो है वो क्लोज नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये हमारा जो है वो लाइन ब्रेक करने के लिए हम ये जो टैग यूज़ करते हैं इसका क्लोज नहीं होता। ठीक है, अब हम जो है वो टैग्स को देखते हैं कि टैग्स क्या, हम पहले मैंने कहा कि ज़्यादातर जो टैग्स होते हैं उनका स्टार्टिंग और जो है वो एंडिंग होता है। मिसाल के तौर पे हमने जो है वो कोई टेक्स्ट जो है वो हमने बोल्ड के अंदर लिखना है, मतलब हमारे पास एक पैराग्राफ था या हम कोई चीज़ लिख रहे थे उसके अंदर हमने जो है वो एक लाइन लिखी, तो हम यहाँ पे अब जो है जैसे एक वार्निंग का वर्ड यहाँ पे आ रहा तो मैं चाह रहा हूँ कि यही वाला वर्ड जो है वो बोल्ड के अंदर हो, तो मैं क्या करूँगा उस वार्निंग से पहले जो है मैं ये मेरा टैग है उसका जो इनिशियल जो है वो मैं क्लोजिंग उसका ओपनिंग स्टार्ट कर लगा दूंगा और उस टेक्स्ट के बाद जो चीज़ मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ उसके बाद मैं जो है वो इसका क्लोजिंग टैग लगा दूंगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इस वर्ड वार्निंग को जो है वो बोल्ड फेस जो है वो पेज के अंदर जो है वो शो करा देगा। अभी हम जो है नेस्टेड टैग्स की बात करते हैं। नेस्टेड टैग्स क्या होते हैं कि टैग्स के अंदर टैग, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो एक टैग जो था हम यूज़ कर रहे हैं हेडिंग का, और हेडिंग भी जो है वो हेडिंग का हम यूज़ कर रहे हैं, एक ऑलरेडी टैग यूज़ हो रहा है और उस टैग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे टैग जो है वो क्लोज हो रहा है। हम उस टैग के अंदर जो है वो एक और टैग लगा देते हैं, मतलब उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसका पूरे के पूरे टेक्स्ट के ऊपर हमने जो है उसको इटैलिक का जो है वो एक टैग लगा दिया, या उस जो जो है उसके अंदर जो कुछ भी उसका जो टेक्स्ट है उसका कुछ पार्ट के अंदर हमने जो है वो ये लगा दिया, तो ये टैग के अंदर जो टैग लगता है इसको हम जो है वो नेस्टेड टैग्स कहते हैं, और ये जो हमारा HTML होता है वो नेस्टेड टैग्स को जो है उसको सपोर्ट करता है, वो कर देगा। ठीक है, अब हम जो है वो देखते हैं कि जो पेज है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि तमाम के तमाम जो है पेज होते हैं वो उनका जो है वो कॉमन जो है वो स्ट्रक्चर होता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो स्टार्ट हो रहे होते हैं टैग से HTML के, और एंड जो उनका हो रहा होता है उस पेज का वो भी HTML के क्लोज पे जो है वो टैग के ऊपर हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो उनका हेड होता है और वो हेड जो है वो क्लोज हो रहा होता है, और हेड के दरमियान में उनका टाइटल होता है। टाइटल क्या होता है कि वो उस पेज वेब पेज जो है उसका जो की जो हेडिंग होगी, मिसाल पे यहाँ पे हमने जो है वो एग्जांपल जो है वो जो है वो एग्जांपल के नाम से लिखी, तो हमारा हम जब उसको पेज को ओपन करेंगे तो हमारा यहाँ एड्रेस बार के ऊपर जो है वो जो टाइटल बार होती है
एक्सप्लोरर की, उसके ऊपर जो है यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो हेड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो है उसको क्लोज हो गया। हेड के बाद जो है वो बॉडी होती है, बॉडी के बीच में जो है पैराग्राफ्स वगैरह होते हैं, तो जो कुछ भी हमने लिखा होता है तो उसका भी जो है वो ये टैग स्टार्टिंग है और ये उसका ओपनिंग टैग है और ये इसका जो है वो क्लोज टैग है। उसके दरमियान में जो कुछ होगा वो उसकी जो है वो बॉडी होगी, ठीक है। अब हम जो है वो टाइटल टैग को देखते हैं कि टाइटल टैग क्या होता है, कि उसके अंदर जो है जो आपने अपना जो वेब पेज है उसका आपने जो टाइटल चूज़ करना है, जो उसका जो होगा वो आप जो है उसको आप टाइटल लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ जो है वो उसका वो टाइटल होगा, और जो टाइटल होगा वो जो है वो फेवरेट लिस्ट का हो सकता है, वो जो है वो हिस्ट्री लिस्ट का हो सकता है, वो बुकमार्क का हो सकता है, या किसी जो है वो आपके पेज को जो है वो जो जो चीज़ें हैं उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। जो आपका HTML जो है वो जो टेक्स्ट होता है उसको मैनिपुलेट कर सकती है, बड़े ट्रिकी से बड़ा जो है ना वो टेक्निक के साथ जो है वो कर सकती है, और जो है कि आप जो है आप जो है वो हैरान हो जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो HTML के जो स्पेशल पेजेस होते हैं वो रिक्वायर होते हैं जो है वो पैराग्राफ्स को बनाने के लिए, कि जो लाइंस को मूव कर सकें, जिनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पे ऐसे जो है वो मूव हो रहा होता है, तो ये जो है वो आप स्पेशल HTML जो है वो यूज़ करके उसको कर सकते हैं। और जो है वो इसी तरह जो हेडिंग्स होती हैं स्पेशल किस्म की मूविंग वाली, या कुछ और उसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं, उसको आप जो है वो स्पेशल HTML करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है वो कुछ देखते हैं टैग्स देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम ऑलरेडी बोल्ड का बात कर चुके हैं कि ये जो बोल्ड का ओपनिंग और एंडिंग जो है वो टैग है, उसके दरमियान जो टेक्स्ट होगा जो इसके दरमियान में मौजूद होगा उसको बोल्ड कर देगा, ये आई है ये इटैलिक कर देगा, ये यू वाला है ये इसको अंडरलाइन कर देगा, पी जो है ये नया पैराग्राफ बना देगा, मतलब यहाँ पे एक जो है आपका पैराग्राफ चल रहा है तो अब आप जब इसके दरमियान आप यहाँ पी लिखेंगे तो फिर आप यहाँ से आपका जो है वो नया पैराग्राफ जो है स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका बी आर है वो लाइन को जो है ब्रेक कर देगा और जो है वो सिंपल जो है वो नेक्स्ट लाइन में जो है वो चला जाएगा, बिल्कुल दिस इज एन एप्पल आपने लिखा हुआ है तो दिस इज के बाद जो है वो आपने जो है वो बी आर लगा दिया, तो अब क्या होगा कि दिस इज यहाँ पे लिखा जाएगा, जिसके बाद जो नेक्स्ट बी आर के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा एप्पल का होगा वो आपका सेकंड लाइन के अंदर जो है वो चला जाएगा। अब ये जैसे बी आर है तो ये ऐसा टैग है कि जिसका स्टार्टिंग जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो वैल्यूज नहीं होती, इसमें सिर्फ ओपनिंग वैल्यू है, उसकी क्लोजिंग वैल्यू नहीं होगी, इसमें रिक्वायर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो हेडिंग्स हैं, कि हेडिंग जो वेब पेज हैं उसके अंदर जो है वो हम उसको सेक्शंस के अंदर जो यूज़ करते हैं, और सेक्शन के अंदर हर सेक्शन की जो है वो हेडिंग होगी, कि बिल्कुल जो है वो एक सेक्शन था ये इसकी मेजर हेडिंग थी, फिर उसकी जो है वो जो समझे कि वन से रिप्रेजेंट टू से कर रही है, फिर उसके बाद उसकी जो है वो सब हेडिंग होगी 1.1 हो गई, और उसके बाद जो है अगेन हो सकता है कि इसकी भी जो है वो सब हेडिंग हो जो 1.1.1 हो, तो ये जो है वो इसमें डिफरेंट जो है वो हेडिंग यूज़ होती है। तो जो हमारा HTML है उसके अंदर जो है वो हेडिंग जो है उसको हम H के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ जो है वो N का वर्ड लगता है। N का वर्ड का मतलब ये है कि ये H1 हो सकता है, H2 हो सकता है, H3 हो सकता है, अप टू H7 तक जो है ये हेडिंग हो सकती हैं, H7 तक जो है वो हेडिंग हो सकती हैं, और हर हेडिंग जो होती है उसका जो है वो एक ओपनिंग होती है, और उसका जो है वो एक जो है वो ये ओपनिंग है और ये उसकी जो है वो क्लोज टैग हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है कि जो H1 होगा वो उसका फॉन्ट जो होगा वो लार्जेस्ट होगा, वो बड़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो H2 का उससे कम, उससे कम, उससे कम, और H7 जो है उसका जो है वो सबसे जो है वो स्मॉल, मतलब सबसे कम जो है उसका साइज होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो कुछ हॉरिजॉन्टल जो है वो HTML के रूल्स दिखा रहे हैं, कि उसमें जो है वो HR है, कि उस यहाँ पे जो है वो एक एलिमेंट इसके अंदर जो है वो सेपरेट कंटेंट यूज हुआ है इस पेज के अंदर, यहाँ पे H1 लगाया तो H1 जो है वो एक हेडिंग बन गई, सबसे बड़ी हेडिंग बन गई, और उसके नीचे हमने जो है पैराग्राफ लगाया, पैराग्राफ में कोई टेक्स्ट लिखा तो वो इस तरह करके आ जाएगा। अब यहाँ पे H2 किया तो अब H1 की देखिए हेडिंग जो है वो आपको बड़ी नज़र आ रही होगी, H2 की उससे कम नज़र आ रही है, और उसके बाद जो है वो इसी तरह सो ऑन H3 की उससे कम होगी, H4 की उससे कम होगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो फॉन्ट किस तरह हमने चेंज करना है, कि हमने जो हमारे हमने पैराग्राफ का या हमने जो है वो हमारी जो हेडिंग है उसका हमने फॉन्ट चेंज करना है तो किस तरह करेंगे, उसके लिए हम जो है वो एक्सप्रेशन जो यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे फॉन्ट फेस इज इक्वल टू फॉन्ट, यहाँ जो है वो उस फॉन्ट का जो भी नाम हम रखना चाह रहे हैं वो डबल कोट्स के अंदर जो है वो आएगा, ये हमारा जो है वो इस टैग का ओपनिंग हो जाएगा, और इस तरह जो है एंड पे सिर्फ हम जो है वो स्लैश
फॉन्ट के नाम से जो है वो हम इसको इससे जो है वो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो अब ये यहाँ से स्टार्ट करके इसके स्टार्ट के दरमियान में जो यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट होगा, जहाँ पर जितना भी जो पैराग्राफ होगा, पेज होंगे, जो भी होंगे, उनका ये वाला जो है वो फॉन्ट स्टाइल इनका जो है वो चेंज हो जाएगा। सिंपली हमने जो है वो फॉन्ट साइज चेंज करना हो तो उसके लिए जो है वो हम जैसे यहाँ पे फॉन्ट फेस हमने लिखा, यहाँ पे हम जो है फॉन्ट स्पेस साइज करेंगे और साइज जो है वो एन, मतलब जो भी हमें चाहिए, हमें 12 चाहिए, हमें 14 चाहिए, हमें जो है वो 8 चाहिए, 7 चाहिए, हमें 10 चाहिए, जो भी चाहिए उसका साइज चाहिए होगा, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद जो भी वो टेक्स्ट होगा वो लिखा जाएगा, पैराग्राफ लिखा जाएगा और एंड पे जो है इसको भी, इस जो टैग है इसको भी हम जो है वो क्लोज करेंगे जो है वो एंगुलर जो ब्रैकेट्स हैं और उसके दरमियान में जो है स्लैश फॉन्ट के नाम से, ठीक है। और ये जो है वो एन जो है मैंने यहाँ पे कहा कि जो फॉन्ट साइज है वो 1 से 7 के बीच में होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो हम देखते हैं, मजीद देखते हैं कि फॉन्ट को किस तरह चेंज करना है। फॉन्ट का हमने जो है वो कलर चेंज करना है, तो फॉन्ट के कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट कलर और जो है वो इसी तरह हम इसका जो है वो ओपनिंग फॉन्ट कलर इज इक्वल टू जो भी रेड हमने करना है, हमने यहाँ ब्लैक करना है, हमने वॉयलेट करना है, जो भी लिखना है उसमें हम इसका नाम लिखेंगे और अगेन इसकी जो क्लोजिंग होगी वो भी जो है वो सेम होगी, ठीक है। और जो है वो जो फॉन्ट कलर हैं वो हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो हेक्साडेसिमल क्या होता है कि ये एक वैल्यूज़ होती हैं, 4 बिट्स की वैल्यूज़ होती हैं जो कि 0 से लेके 15 तक होती हैं, मतलब उनको रिप्रेजेंट हम करते हैं 0 से लेके 9 तक और 10 को रिप्रेजेंट करते हैं A B C D E और F तक। तो ये जो है 0 to 9 आगे A B C D F जो है इसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, तो उनको जो है उनकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन से भी हम जो है वो कलर को लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहा है FFF, तो एक जो है वो ये एक हेक्साडेसिमल का एक कोड है जो कि किसी ना किसी कलर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये जो हैं वो कंबाइन हो सकते हैं चेंज करने के लिए, मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं और हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, इनको कंबाइन कर सकते हैं कि वो फॉन्ट का जो है वो स्टाइल क्या है, फॉन्ट का साइज़ क्या है, फॉन्ट का कलर क्या है, हम इनको एक साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जी हमने इसको मर्ज कर दिया, फॉन्ट का साइज़ जो है वो हमने 4 कर दिया, फेस हमने जो है वो उसका स्टाइल जो है कोरियर कर दिया, रंग हमने उसका जो है वो रेड कर दिया, तो यहाँ पे 1 2 3 हम 3 जो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 जो उसका जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, हम उसको जो है कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करना हमने यकजा कर दिया और एंड पे जो है वो हम एक ही जो क्लोजिंग उसका जो टैग है हम उसको यूज़ करके इन सबको जो है वो क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो चेंजिंग जो फॉन्ट है उसका मजीद हम पढ़ते हैं कि फॉन्ट साइज अगर हम 7 करते हैं, कलर हम जो है वो रेड कर जो है वो कर देते हैं, तो उसके दरमियान में कोई जो है वो टेक्स्ट लिख देते हैं तो और जो है वो टैग को क्लोज कर देते हैं फॉन्ट के साथ, तो इसका जो है वो ये एक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ नीचे इसका जो है वो आउटपुट नज़र आ रहा है, ये 7 सबसे बड़ी वैल्यू है तो ये रेड भी है और ये जो टेक्स्ट का कलर रेड होगा और ये 7 सबसे इसका जो फॉन्ट होगा वो बड़ा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो 2 लिखा हुआ है तो 2 जो है वो कम होगा और 3 उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3 जो है वो 2 से बड़ा होगा लेकिन 7 से वो कम होगा। तो हमने यहाँ पे जो है वो इसको यूज़ किया, तो ये भी एक मेथड है। दूसरी बात ये है कि HTML के अंदर ये जो HTML है ये जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। यहाँ पे आप जो है वो ABCD बड़ी लिखें या इसमें जो है वो छोटी लिखें तो वो उसको डिफरेंट डील नहीं करेगा, उसको वो एक तरह से ही ट्रीट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो इनलाइन स्टाइल जो है वो टैग जो है उसको हम देखते हैं कि जी जैसे हमने कहा कि H1 जो है वो बड़ी हेडिंग है और स्टाइल जो है हम उसका H1 का स्टाइल हम जो है वो उसका उसमें में कलर जो है वो ग्रीन कर देते हैं, उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने जो की है कि जो उसकी टेक्स्ट हो वो उसको हम सेंटर करते हैं कि वो दरमियान में ये सेंटर में आ जाए जो है इसका टेक्स्ट आ जाए और उसका फॉन्ट साइज जो है वो 30 हो और फॉन्ट फैमिली जो है मतलब जो उसका फॉन्ट स्टाइल है वो इसका कैलिबरी हो और ये हमने सारा जो है वो मर्ज कर दिया और उसको एंड पे जो है वो हमने जो है हेडिंग को जो है यहाँ पे जो है वो हमने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद हमने इस टैग को जो है वो क्लोज कर दिया, तो ये सिर्फ एक ही जो है वो टैग जो है वो तीन जो है वो चीज़ों को मतलब उसके कलर को उसके जो है वो टेक्स्ट के अलाइनमेंट को 2 को फिर उसके बाद 3 जो है वो उसका फॉन्ट साइज हो गया, उसका जो है वो फॉन्ट स्टाइल 4 हो गया, तो चारों चीज़ों को उसने जो है वो एक ही टैग से हम जो है वो उसको कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पैराग्राफ है, पैराग्राफ में भी इसी तरह है कि पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया, ये पैराग्राफ का ओपनिंग और ये स्टार्टिंग जो है वो एंडिंग है, तो एंडिंग तो वही सेम रहेगा, जो ओपनिंग है उसके अंदर हमने जो है वो इसका स्टाइल जो है वो कलर जो है वो इसका ब्लू कर दिया, हमने अलाइनमेंट इसकी जो है वो राइट साइड पर कर दी कि वो राइट से जो है वो लेफ्ट हो और उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो हमने 40 कर दिया, फॉन्ट फैमिली जो है वो उसका एरियल कर दिया, तो एक ही जो है वो हमने
टैग के जरिए जो है वो चारों चीज़ें इसके अंदर जो है वो इंप्लीमेंट कर दी। सिंपल हम जो है वो एक और जो है वो एग्जांपल देखते हैं कि ये पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया, ये हमने एंड किया, तो उसमें हमने उसी पैराग्राफ की एक ही कमांड जो है वो टैग के अंदर हमने उसका कलर ब्लू कर दिया, उसकी अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट कर दी, उसका जो है वो फॉन्ट हमने 15 कर दिया, उसका जो है वो फॉन्ट साइज जो है स्टाइल जो है वो हमने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट क्या होता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो अलाइन कैसे होगा, या उसमें तीन होगा, या तो वो सेंटर्ड अलाइन होगा, ठीक है, या जो है वो फिर लेफ्ट साइड पे अलाइन होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो है वो सारे के सारे बराबर होंगे लेकिन राइट साइड पे कोई आगे पीछे होगा, या फिर जो है वो क्या नाम है उसका राइट अलाइन होगा कि लेफ्ट साइड पे जो है, जैसे हम उर्दू के अंदर लिखते हैं कि राइट साइड जो है वो बिल्कुल बराबर होगा लेकिन लेफ्ट साइड जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, या फिर जस्टिफाइड होता है जिसके अंदर सारी की सारी लाइनें जो होती हैं वो हर तरफ से उनकी स्पेसिंग उनका जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड से सारा बराबर होता है, तो उसको हम जस्टिफाई कहते हैं। तो ठीक है, ये अलाइनमेंट्स होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, और इनको जो है वो हम जो है वो पैराग्राफ्स के अंदर हेडिंग्स के अंदर जो है वो हम टैग के जरिए हम उनको जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हेडिंग जो है वो वन हेडिंग है, उसके अंदर जो है अलाइनमेंट हमने सेंटर की है, तो ये वाली इसमें अलाइनमेंट इंप्लीमेंट हो जाएगी कि जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो सेंटर में जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये इस तरह जो है वो हम सेंटर होगा या जो है वो लेफ्ट होगा या राइट होगा या वो अलाइन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो कमेंट स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि अगर हमने सिंपल कमेंट लिखना हो, मतलब कमेंट का मतलब ये होता है कि उसका उस पेज के अंदर एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट वो उसकी किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए हमने इसको जो है वो यूज़ किया है, तो उसको जो है वो कमेंट स्टेटमेंट जो है उसके नोट्स होते हैं जो HTML कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होते हैं। ये जो है वो ये जो होंगे ये सिर्फ कोड में नज़र आएंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी इसके लिए टैग यूज़ होगा वो ये जो है वन के नीचे डॉट मतलब नॉट के साथ ये यूज़ होगा, इसके दरमियान में जो टेक्स्ट हम लिखेंगे जो वो जो टैग होगा वो रिप्रेजेंट नहीं होगा, ये कोड में आपको नज़र आएगा लेकिन जब उसको उसको कोड को रन करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे ब्राउज़र पे तो उसमें वो आपको शो नहीं होगा। फिर जो है वो पेज की जो है वो फॉर्मेटिंग होगी, फॉर्मेटिंग में क्या है उसका बैकग्राउंड कलर हो सकता है, जिसके लिए जो है वो BG कलर एट्रीब्यूट हम जो है वो यूज़ करते हैं, वो बॉडी के अंदर जो है बॉडी के अंदर हम उसको जो है वो टैग के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम जो है एक छोटा सा प्रोग्राम एक एग्जांपल लिखते हैं कि हमने जो है जैसे कहा कि हम HTML से हमने स्टार्ट किया और HTML पे हमने जो है वो इसको क्लोज़ किया, उसके बाद जो है हेड है और हेड को भी हम क्लोज़ कर रहे हैं, और दरमियान में हमने जो है वो टाइटल लिखा, टाइटल जो है वो उस पेज का जो की हेडिंग किया होगी वो हमने लिखी, उसको वो एग्जांपल लिख दिया। उसके बाद हमने बॉडी स्टार्ट की, बॉडी में हम कह रहे हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो ब्लैक हो, जैसे यहाँ पे आपको जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक नज़र आ रहा है, और उसका जो टेक्स्ट है वो ग्रीन हो तो आपका ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है ये आपको जो है वो ग्रीन नज़र आ रहा है, और उसके दरमियान में हमने जो भी ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये सेम एज इट इज़ जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी, और उसके बाद जो H1 होगा जहाँ पे हमने जो की है उसका जो है वो हम कह रहे हैं कि उसका जो कलर है वो ग्रीन हो और वो अलाइनमेंट उसकी जो है वो सेंटर हो, ये ग्रीन भी है, इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर भी है, इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी हमने फिक्स कर दिया वो 30 कर दिया, तो ये हो गया। और यहाँ पे हम जो है वो एक पैराग्राफ बना रहे हैं, नीचे इसके लिख रहे हैं, और उस पैराग्राफ का जो है वो टेक्स्ट है वो ब्लू है, ठीक है, और उसका जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड पे वो जो है वो राइट साइड पे अलाइन हो रहा है, और उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 40 हो रहा है। तो ये इस तरह जो है हमने एक एग्जांपल बनाई जिसके ज़रिए हमने जो है वो एक HTML का जो छोटा सा कोड है उसको हमने जो है एग्जीक्यूट करके एक छोटा सा हमने इसका बना दिया। ठीक है, अब हमने उसके अंदर जो है वो अगर कोई इमेज वगैरह जो इंसर्ट करना होगा तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो होगा IMGSRC के नाम से, ये जो है वो ये आपका जो है वो टैग हो का नेम होगा, और उसको इज इक्वल टू यहाँ डबल कोट से स्टार्ट करके हम उस इमेज जो है उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, और उसकी एक्सटेंशन जो होगी .ext, मतलब जो उस इमेज में मतलब JPG है वो PNG है जो भी है हम उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो उसके साथ लिखेंगे, कि बिल्कुल उसका नाम इमरान था उसके इमेज हमने जो रखा हुआ है उसकी एक्सटेंशन जो है वो JPG है तो हम लिखेंगे imran.jpg। तो इस तरह जो है ये उसके अंदर जो है वो पेज के अंदर इमेज को जो है वो लोड कर देगा। ठीक है, जो अब उसकी जो है वो हमने विड्थ वगैरह करनी है कि हमने जो है वो जो इमेज इंसर्ट किया है वो उसकी विड्थ क्या हो, उसकी हाइट क्या हो, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या हो, तो उसमें जो है वो हम ये यूज़ करेंगे विड्थ के, और उसमें जो है वो n हम यूज़ करेंगे कि उसका साइज़ क्या होगा ये शो करा रहा होगा, यहाँ पे जो है वो उसकी हाइट जो है वो विड्थ
के लिए टैग विड्थ यूज होगा, हाइट के लिए टैग हाइट ही यूज होगा, और एन यू है वो उनकी वैल्यूज होंगी। जितनी वैल्यू ज्यादा होंगी इसका मतलब उसका साइज बड़ा होगा, जितनी वैल्यू कम होगी उसका मतलब है साइज जो है वो छोटा होगा। और फिर जो है वो बॉर्डर वगैरह हमने उनको लगाने हैं, किसी किस्म का कोई बॉर्डर लगाना है तो उसके लिए जो है वो हम बॉर्डर का जो है वो एट्रीब्यूट यूज करेंगे और उसकी भी जो है वैल्यू कोई ना कोई एन वैल्यू होगी। ठीक है, हमने जो है वो अब जो मजीद हम बात करते हैं, जो हम पिक्चर को जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसने अगर हमने जो है वो किसी उसी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर आपका जो ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है आपकी जो फाइल पड़ी हुई है नोटपैड के अंदर, वहीं पे ही आपका जो है इमेज पड़ा हुआ है, तो हम जो है वो उसको, जैसे हमने कहा कि इमेज SRC, मतलब ये अगर इसको आप कैपिटल में लिखें स्मॉल में लिखें बराबर है, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल हमारे पास एक पिक्चर पड़ी हुई थी पिक्चर वन के नाम से और उसकी एक्सटेंशन जो है वो JPG थी, तो हमने इसको लिख दिया तो ये जो है वो इसको लोड कर देगा। और alt जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर हमने लिखना है, तो उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे ALT का, और जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन हमने जो लिखी कि जी हमने हायरार्की बनाई हुई थी किसी ऑर्गेनाइजेशन की, हमने जो है वो अपनी पर्सनल पिक्चर लगाई हुई थी, जो भी उसकी जो हमने डिस्क्रिप्शन रखनी है वो यहाँ पर रख लेंगे। और उसकी विड्थ जो है वो मतलब उसके कितने पिक्सल हैं 500 पिक्सल करनी है उसकी, और उसकी जो हाइट है वो उसकी 500 जो है वो उसकी आपने पिक्चर रखनी है, जो भी आपने रखनी है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब रीडिंग जो है वो अगर किसी डिफरेंट फोल्डर में अगर आपका जो है वो इमेज वो आपका जो है वो फोटो पड़ी हुई है, तो फिर हम पूरे का जब IMG स्पेस SRC करेंगे तो पूरे उस लोकेशन का हम पाथ देंगे कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, कि बिल्फर्ज जो है वो यूजर्स के अंदर है और उसके डेल के अंदर पड़ा हुआ है, पिक्चर के अंदर पड़ा हुआ है, उस नेम से पड़ा हुआ है, फिर हम उसका पूरे का पूरा पाथ देंगे और उसके पास की जो है डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, उसका बॉर्डर वगैरह हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो हम जो है वो पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। अगर हमने उस जो है वो इमेज है उसका बॉर्डर कलर वगैरह हमने चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे जो लिखा तो ये डिस्क्रिप्शन उसकी हो गई, ये विड्थ हो गई और ये हाइट वगैरह हो गई, स्टाइल क्या होगा कि स्टाइल हमने जो है उसका बॉर्डर 5px जो है वो सॉलिड रेड कर दिया, और ये जो है वो उसका कलर जो है वो उसका क्या कहते हैं कि कलर नहीं मांगा। ठीक है, अगर हमने जो है वो अल्टरनेट टेक्स्ट करना है, हमने जो है वो जो में आपने जो है वो बॉर्डर चेंज किया जो है टेक्स्ट का अल्टरनेट करना है, तो हम जो है वो इमेज जो कुछ ब्राउजर्स होते हैं वो इमेज को जो है वो सपोर्ट नहीं करते, उनमें क्या होता है कि उनके अंदर जो है वो ALT एट्रीब्यूट जो होता है उसके जो है वो टेक्स्ट को वो सिंपल टेक्स्ट को जो है ना वो एक क्रिएट कर देगा और जो है वो इमेज के बजाय जो है वो इस तरह का जो एक टेक्स्ट है वो नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ब्राउज़र है वो पिक्चर इंसर्शन को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा।